विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक राजस्व सहित अन्य वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया, जिसमें कुल 36,330 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से मोटर क्लेम से संबंधित 35 वादों, पारिवारिक वादों से संबंधित 28 वादों तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों से संबंधित 259 वादों का निस्तारण कर के 84,57,615 रुपये की छूट प्रदान करते हुए 1,18,29,432 रुपये नकद जमा कराया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव प्रकाश चंद्र शुक्ला ने बताया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के एवं जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारीगण ने सहभागिता किया। प्री लिटिगेशन के तहत बैंकों के अधिकारियों ने भी मामलों का निस्तारण किया। न्यायालय एवं राजस्व अधिकारियों के द्वारा कुल मिलाकर 36,330 वादों का निस्तारण किया गया। साथ ही मोटर क्लेम के जो मामले निर्णित किए गए उसमें 1,34,00,000 रुपये से ज़्यादा प्रति कर दिया गया। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सिविल जज जूनियर डिवीज़न एवं सीनियर डिवीज़न के न्यायालय द्वारा तकरीबन 2,00,00,000 के ऊपर की धनराशि का निर्गत किया गया। फौजदारी न्यायालयों के द्वारा 7,360 मुकदमों का निस्तारण किया गया और तकरीबन 2,00,000 से ऊपर अर्थदंड वसूला गया। इसी प्रकार बांसगांव में स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा 625 मुकदमों का निस्तारण किया गया और तकरीबन 100,000 से ऊपर के अर्थदंड जमा कराए गए। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मीडिया जन जिन्होंने कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है, मैं उन सभी लोगों का चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं और जनपद के जनवासियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा चलाई जा रही इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का सुलह समझौते के आधार पर, जुर्म स्वीकृति के आधार पर निस्तारण कराया। मैं सभी लोगों का इसमें सहयोग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।